मतलब बिजनेस स्टार्ट कर लिया है आपने, लेकिन आपको अभी तक ये नहीं बताया कि अमेजोन से कितना अमाउंट मिल रहा है, कितनी अमेजोन पेमेंट्स काट रहा है, रिफंड पे कितना काट रहा है, एडवर्टीजमेंट्स पे कितना कर रहा है, जो भी कूरियरशिप है एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने कितने लगाए हैं, एडजस्टमेंट्स कितने हो रहे हैं, आपको नहीं पता है। आप बस सेल किए जा रहे हो, इतने साल हो गए, इतने महीने हो गए, बट यू हैव नो आइडिया कि एक्चुअली में आपको पर ऑर्डर पे पैसा कितना मिल रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि आप एक ऑर्डर आईडी लेते हैं, ट्रांजेक्शन सेक्शन में जाते हैं, वहां पे कैश ऑन डिलीवरी या प्रीपेड जो इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट होती है उसे सेलेक्ट करते हैं और देख लेते हैं अमाउंट कितना अमेजोन ने दिया, उसमें से शिपिंग फी माइनस करते हैं एंड दैट्स इट, ये मुझे मिल रहा है पर ऑर्डर। जी नहीं, पेमेंट रिकंसिलिएशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए। पेमेंट रिकंसिलिएशन जो प्रोसेस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एक्सेल शीट के अंदर कोई वीलुकअप फॉर्मूला नहीं है, सिंपल से ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उस ऑप्शन से सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको है ना एक रिपोर्ट होती है, वो डाउनलोड करनी पड़ती है, पेमेंट्स रिपोर्ट, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। उससे आपको इजीली जो है सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कितना अमेजोन ने रिफंड का काटा है, कितने ट्रांजेक्शन किए हैं, कितना पेमेंट भेजा है, कितना पेमेंट बाकी आना और फ्यूचर में कितना पेमेंट मिल सकता है। ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। पेमेंट रिकंसिलिएशन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप बिजनेस कर किसके लिए है? आप बिजनेस इसलिए कर रहे हैं कि आपको जो है पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस पे जो भी सेल हो रही है उस पे आपको कितना पेमेंट मिल रहा है, आप कमा कितना रहे। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो फिर कोई सेंस नहीं है बिजनेस करने से। खुश होने से कोई मतलब नहीं है कि आपको दिन के 100 ऑर्डर आ रहे हैं, 200 ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपको पर ऑर्डर पे कितना पैसा मिल रहा है, तो आप इस बिजनेस को अभी बंद कर दीजिए। ये कोई स्कूल का होमवर्क नहीं है, ये कोई गेम नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑनलाइन बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का, कि आप जो सेल कर रहे हैं उसमें कितना पैसा मिल रहा है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाता हूं, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, 100 बार इसको रिवाइंड करके देखिए, प्रैक्टिकली आप अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे वो प्रोसेस पूरा करके देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, मैं आपको कहता हूं आप 3 बार अलग अलग मंथ की रिपोर्ट्स को डाउनलोड कीजिएगा और इस प्रोसेस को करके देखिएगा, तो आपको ये फ्यूचर में हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। एवरी मंथ, हर मंथ का आपको रिपोर्ट निकालना है और देखना है कि आपको अमेजोन कितना पैसा दे रहा है और कितना पैसा काट रहा है। ओके, बिना किसी देरी के मैं आपको सीधा लेके चलता हूं कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो गाइज, ये मैं आ गया हूँ अपने पेमेंट्स डैशबोर्ड पर। पेमेंट्स डैशबोर्ड बेसिकली आता है रिपोर्ट सेक्शन के अंदर पेमेंट्स पर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको डेट रेंज रिपोर्ट्स पे जाना है। जब आप डेट रेंज रिपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन जैसे कि क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से जो पेमेंट हुए हैं उनकी डिटेल्स, या कैश ऑन डिलीवरी ट्रांजेक्शंस और नॉन ट्रांजेक्शनल फीस जो भी लगी है, वो इधर से जो है कैश ऑन डिलीवरी वाले सेक्शन अलग अलग होते हैं। तो आपको क्या करना है, जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, ट्रांजेक्शन और समरी। उसके अलावा ये अभी जैसे हमने क्या खोल रखा है, इलेक्ट्रॉनिक खोल रखा है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक की डिटेल आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑल पे क्लिक कर देते हैं तो जून 2021 का ऑल इलेक्ट्रॉनिक भी और COD दोनों पेमेंट की रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। या फिर आप कस्टम अगर देखना चाहते हैं, पर्टिकुलर कोई डेट टू डेट देखना चाहते हैं, तो आप कस्टम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ की पेमेंट देखते हैं जो कि है मई 2021 की। ओके, मई 2021 में हम ऑल सेलेक्ट करते हैं और जनरेट पे क्लिक करते हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डेट के हिसाब से 1 मई 2021 से 31 मई 2021 तक की डेट रेंज जो है एक्शन में है। आप देख सकते हैं ये फाइल जो है यहाँ पर डाउनलोड हो गई है, ये डाउनलोड का जो है ऑप्शन ये फाइल आपको दे रही है, तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। जब हम इसे डाउनलोड करेंगे तो एक एक्सेल शीट ओपन होगी, उस एक्सेल शीट को हमें ओपन करना है, ठीक है। जब हम उस एक्सेल शीट को ओपन करेंगे तो हमारे सामने पर्टिकुलर मे मंथ में जो भी पेमेंट्स हुई है उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। कितना अमाउंट अमेजोन ने काटा है, कितना डिटेल्स जो भी रिलेटेड है पेमेंट से रिलेटेड, वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, हमें हमारे कंप्यूटर पे स्प्रेडशीट ओपन करनी है। स्प्रेडशीट बेसिकली गूगल की तरफ से आपको एक तरीके का ऑटोमेटिकली एक ऑनलाइन एक्सेल शीट जनरेट करने का एक ऑप्शन दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से गूगल शीट्स ओपन करेंगे और यहाँ पर गो टू गूगल शीट पे क्लिक करेंगे। ये करने के बाद हमें ब्लैंक पे क्लिक करना है।
देखिए, आप इस प्रोसेस को समझिएगा और आप अपने हिसाब से भी धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप देखकर आप आराम से अपने लैपटॉप पे इस वीडियो को चेक करके कंप्यूटर पे कर सकते हैं, सो दैट आपको इजी रहेगा। अब इस एक्सेल शीट में हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। रो नंबर 11 जो डेट दे रखी है, वहां से लेकर आपको लास्ट तक ये शिफ्ट की दबाकर आपको इसे क्लिक करना है, सो दैट ये जो लास्ट कॉलम है Y305, ठीक है, और यहां पर डेट से इसको हमें कॉपी करना है। 11th नंबर वाली रो से लास्ट रो का लास्ट कॉलम यहां तक इसको कॉपी करना है। इसको कॉपी करके हमें आना है वापस क्रोम पे और यहां पर इसको पेस्ट करना है। जब आप इसको यहां पेस्ट करेंगे तो डेट से लेकर वो सारा का सारा डिटेल यहां तक कॉपी पेस्ट हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स यहां पर आ गई। अब हमें सारा जो गेम है वो यहीं खेलना है, ठीक है। यहां पर इसका नाम हम दे देते हैं पेमेंट्स Amazon, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इधर कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ये वाली जो शीट है इसको ओपन रखना है, डेटा में जाना है, डेटा में जाके आपको पिवट टेबल पे क्लिक करना है और यहां पर न्यू शीट ऑप्शन दे रखा है, ये देखिए ये सेलेक्ट हुआ हुआ है A1 से लेके Y295 जो लास्ट में हमने सेलेक्ट किया था वहां तक। न्यू शीट पे आपको क्लिक करके यहां पर क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको ये साइड में ऑप्शन ओपन होगा, उसमें रोज पे जाना है और टाइप पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको वैल्यूज पे जाना है और टोटल पे क्लिक करना है। इसको वापस देख लीजिएगा, रोज में जाकर टाइप पे क्लिक करना है, वैल्यूज में जाकर टोटल पे क्लिक करना है। इसको मैं यहीं पर छोड़ देता हूं, ठीक है। ऑल डिटेल्स नाम से ये शीट मैं यहां पर सेव कर देता हूं। इसके ऊपर हम वापस आएंगे, मैं आपको सब समझाऊंगा। फिर आते हैं अपन पेमेंट्स Amazon पे वापस, ठीक है। ये मैंने रीनेम किया, इसे रीनेम करना है तो आप इसे डबल क्लिक करेंगे ना तो आप इसको रीनेम कर सकते हैं। यहां पर भी डबल क्लिक ऑल डिटेल्स किया, वैसे यहां पर भी डबल क्लिक करके आप इसे रीनेम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें वापस से डेटा में जाना है, पिवट टेबल पे क्लिक करना है और न्यू शीट वापस क्रिएट करनी है, रोज में जाना है और इस बार ऑर्डर आईडी सेलेक्ट करनी है। ऑर्डर आईडी के बाद वापस वैल्यूज में आना है और इस बार टोटल सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये ऑर्डर वाइज आप देख सकते हैं पेमेंट्स यहां पर आ रही है। तो हमें क्या करना है कि सपोज हमें पर्टिकुलर इस वाले ऑर्डर का अमाउंट देखना है कि हमें कैसे ये ऑर्डर का डिटेल निकालना है कि इस ऑर्डर के कितना अमाउंट कटा है, क्या कटा है, वो सारी डिटेल्स यहां पर आ जाएगी। तो हम यहां पर डबल क्लिक करते हैं, ओके। डबल क्लिक करने के बाद आप आगे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि 676 अमाउंट मुझे मिला और उसमें से -81.42 जो है वो काट दिया गया है। जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूं तो 595.39 यहां पर सम आता है, ओके। आप देख सकते हैं 595.39 ये टोटल। तो ये इसकी कितनी अमाउंट कटी। अब मैं आपको टोटल पेमेंट बताता हूं कि कैसे मतलब कितना एडजस्टमेंट्स हो रहे हैं, कितना अमाउंट Amazon काट रहा है, वो सारी डिटेल्स मैं यहां पर ऑल डिटेल्स में बताता हूं। एडजस्टमेंट वो अमाउंट है जैसे कि कोई एड्स आपने चलाए या फिर ऑर्डर जो है आपने भेजा है, आपका वेट डायमेंशन की कोई डिफेक्ट रिपोर्ट आई है कि भाई जिसमें आपने ऑडिट करने के बाद आपकी Amazon ने कुछ अमाउंट डिडक्ट कर दिया है, वो अमाउंट यहां से Amazon काटता है जिससे कि ऑडिट रिपोर्ट्स होती है। ऑडिट रिपोर्ट्स किसे कहा जाता है, जैसे आपने सपोज करिए कोई प्रोडक्ट 500 ग्राम से ज़्यादा का है और आपने अपने पैनल पे दिखा रखा है कि वो तो 300 ग्राम का ही है, 400 ग्राम का ही है, लेकिन Amazon की ऑडिट टीम को पता चलता है कि वो 500 ग्राम से ज़्यादा का था, तो जो भी 20-30 रुपये एक्स्ट्रा कटता है वो यहाँ से वो काट लेते हैं, ठीक है। दूसरी जो चीज़ है वो है FBA इन्वेंट्री फीस, यानी कि फुलफिलमेंट सेंटर का रेंट या फिर जो भी इन्वेंट्री से रिलेटेड वहाँ पर अलग से एक्सपेंस हुए हैं उससे रिलेटेड चीज। अगली चीज़ है ऑर्डर, ये जो ऑर्डर है इतने का पेमेंट आपको आना बाकी है,
पेंडिंग अमाउंट, ठीक है, इतने का पेमेंट आना बाकी है, इतने के ऑर्डर्स आपने प्रोसेस किए हैं और इतना पेंडिंग अमाउंट आपके पास अभी आना है, ओके। अब रिफंड, ये पैसा रिफंड का इधर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। 28,413 रुपए अमेज़ॉन ने रिफंड का काट दिया। सेफ्टी रिम्बर्समेंट मेरे को 437 रुपीस का मिल चुका है। सर्विस फी और शिपिंग सर्विस, ये शिपिंग जो भी की है उन्होंने, जिसे वेट हैंडलिंग फी वगैरह ये जो भी रहता है उससे रिलेटेड जो सारा सर्विस फी और शिपिंग सर्विस है वो इन्होंने यहाँ से काट लिया है, ठीक है। ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र यानी इतना अमाउंट मे मंथ में अमाउंट पेड इन मे, ठीक है, मे मंथ में इतना अमाउंट आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपकी बैंक अकाउंट में देख सकते हैं कितना अमाउंट इन्होंने काटा है, और 3,576.08 मे मंथ का पैसा, ठीक है, मुझे अभी पेंडिंग है। तो यहां से ये डिटेल्स आप निकाल सकते हैं पेमेंट रिकंसिलेशन की, कि आपको कितना पैसा अमेज़ॉन से मिला है, यहां से चेक कीजिए कितना एडजस्टमेंट का काटा है, कितना रिफंड हुआ है, सेफ्टी रिम्बर्समेंट कितना मिला है, सर्विस फी कितनी काटी है, शिपिंग सर्विस फी कितनी काटी है, और कितना अमाउंट आपको मिला है इस मंथ में। ऑल राइट, जैसे कि आप देख सकते हैं 29,376, ओके, और यहाँ पर मैंने कितने ऑर्डर प्रोसेस किए हैं उसकी सम जो है हम यहाँ पे निकालते हैं, कि हमने टोटल अराउंड 150 ऑर्डर्स प्रोसेस किए हैं और उसका पेमेंट हमें मिला है 29,376 और पेंडिंग जो है अभी 3,576। एक चीज़ ध्यान रखिएगा गाइस, जैसे अगर आपने ये मे मंथ का है और आप जून का निकालते हैं तो आपको जो जून में पेंडिंग बताएगा कि इतना बाकी है तो वो इसके साथ ऐड नहीं होगा, वो अलग से होगा, ठीक है, उसको बाद में आप इसको और जून को दोनों को प्लस कर लीजिएगा। वैसे ही अप्रैल मई और जून तीनों को आप जैसे भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका है बेसिकली आपको आपकी हार्ड अर्न मनी को चेक करने का। मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और ध्यान से सीखिए कि आपको आगे फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखना है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको इस चैनल की वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए, उसे अलाउ कीजिए, सो दैट मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस टॉपिक को मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।